पास छोटा कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन है तो भी आप यूपीआई कर सकते हैं। इंटरनेट के बिना यूपीआई का यूज करके आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं और अपने अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज मैं आपको इंटरनेट के बिना यूपीआई करने का तरीका बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले अपने मोबाइल से ये नंबर डायल करेंगे। ये नंबर आप एंड्रॉयड या कीपैड मोबाइल में भी डायल कर सकते हैं। डायल करने के बाद ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप तीन नंबर पे चेक बैलेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको चूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को चूज करने के लिए इसमें तीन नंबर एंटर करेंगे। तीन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ 4 डिजिट का यूपीआई पिन मांग रहा है। यूपीआई पिन एंटर करेंगे। यूपीआई पिन एंटर करते ही यहाँ बैलेंस शो हो जाएगा। ऐसे ही आप फिर से नंबर डायल करके अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल चेक करने के लिए चार नंबर एंटर करें, जो चार नंबर पर मौजूद है माई प्रोफाइल। चार नंबर एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से दिखाई देगा। इसमें तीन नंबर पर माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। माई प्रोफाइल को खोलने के लिए तीन नंबर एंटर करेंगे। कीपैड मोबाइल और एंड्रॉयड में दोनों में यूज हो सकता है, तो इंटरफेस कुछ इसी तरह का होगा दोनों फ़ोन में। और यहाँ तीन नंबर एंटर करने के बाद दीपक कुमार सिंह और बाकी डिटेल भी आ चुका है। यूपीआई पिन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि पहले से सेट किया हुआ है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस आती है, किसी को सेंड मनी की, तो फिर से नंबर डायल करेंगे। नंबर डायल करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है सेंड मनी, जो कि एक नंबर पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक एंटर करेंगे। एक एंटर करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, सेफ्ट बेनिफिशियरी और आईएफएसएसी अकाउंट से ऑप्शन मांग रहा है, तो हम पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे, अकाउंट मनी पे। और यहाँ अकाउंट नंबर ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आईएफएस कोड पूछ रहा है, तो यहाँ आईएफएस कोड एंटर करेंगे। आईएफएस कोड नॉर्मली एंटर कर सकते हैं, ब्लॉक लेटर हो या फिर स्मॉल लेटर हो। सबमिट करेंगे। एंटर द कंप्लीट अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। अकाउंट नंबर जितने भी डिजिट का हो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, पैड हो या एंड्रॉयड हो। जैसे ही आप नंबर पूरा ऐड करेंगे, ये अपने अगले स्टेप में चला जाएगा। इंटर अमाउंट इन रुपीस, तो यहाँ अमाउंट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। रिमार्क पूछ रहा है, रिमार्क में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाई डाला गया है। लिखने के बाद यहाँ पे एक बार रिमाइनिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो आप अकाउंट नंबर अपना और आईएफएस कोड चेक कर सकते हैं और अमाउंट चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यूपीआई पिन पूछ रहा है। यूपीआई पिन जैसे ही एंटर करेंगे, पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे यू पेमेंट आरएस सक्सेसफुल। यहाँ पे आप अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं, जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं। ऑप्शन वन एंटर करेंगे, बेनिफिशियरी का नाम ऐड करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, ये अकाउंट सेव हो जाएगा। अगली बार अगर आपको इस पैसे ट्रांसफ़र करने हो, तो फिर से अकाउंट नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सर्विस अभी जियो को छोड़कर बाकी सभी नेटवर्क्स पर उपलब्ध है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।